खुदा न करे आपके साथ ऐसा हो, कोई एम्बुलेंस चालक आपसे 55,000 मांगे। जी हाँ, रांची में ऐसा ही हुआ है कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। और इस कोरोना हाहाकार के चलते यहाँ एम्बुलेंस चालकों की मनमाना बढ़ चुकी है। लोग पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मनमाना रकम का डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, यह मामला है रांची के एक एम्बुलेंस चालक का, जो ग्रुप बनाकर, जो समूह बनाकर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और मरीज के परिजनों से ब्लैकमेल तक भी कर डालते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस की। अभी आप एक ऑडियो सुनिए। अब कहीं भी जाइए, सब पड़ गया, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, उतना दूर तक मत सोचिए, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है। पटना ले जा रहे ना? हाँ, पटना में सब इंतजाम हो गया है, लाइनअप हो गया है, लेकिन शाम को वही तकरीबन 8 बजे के आसपास डॉक्टर ले करेगा। एडवांस कुछ कर दीजिए यहाँ। नहीं, वो तो ले जाएंगे, लेकिन अपने पास अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया ना, उतना नहीं दे पाएंगे। तो मुश्किल होगा, कुछ तो कम हो जाता ना, इसीलिए मैं मिले वही 55,000 रुपया लगेगा। इससे कुछ नहीं हम कर सकते। वेंटिलेटर वाला का वही 55,000 वेंटिलेटर एक। वेंटिलेटर ही चाहिए, डॉक्टर बोला है, डॉक्टर वही वेंटिलेटर ही बोला है, लेकिन अपने पास यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए उतना पैसा है नहीं। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप ओनर है क्या अभी? हाँ हाँ, रुकिए तो लगाते हैं। अगर आप लोग 6 बजे आने बोला, हाँ, वहाँ से डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज शाम को होगा, रात को वही 7-8 बजे हो जाएगा। अभी कितने बजे चाहिए आपको? हाँ, 6 बजे, 7 बजे के आसपास ही, 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाना है, लेकिन 3 बज रहा, 7 या 8 बजे तक मेन रेट हो जा रहा है ना, काफी ज्यादा है। 55,000 वेंटिलेटर चाहिए ना? नहीं नहीं, तो हार्मो में दिखा रहा था आपका ऑफिस। सुन, मेरा 3-4 जगह है, उसका मत टेंशन। हम आपको पहले जेन्युइन है ना, इसलिए पूछे। उसी आप कंफर्म होना चाहिए ना? हां, तो पूरा हमने कर दूंगा। अच्छा, कोई स्टाफ भी जाएगा साथ में? अच्छा, तो फिटिंग कौन करेगा वेंटिलेटर के? हाँ हाँ, वही मॉनिटर वगैरह का कौन करेगा? हाँ। वाली सक्शन का जरूरत है, सक्शन कौन करेगा? सब कुछ ना है, ऑक्सीजन का लेवल कौन करेगा? कितना पेशेंट का एज कितना है? क्या पेशेंट का एज कितना है? वही 55 ईयर्स अंकल हैं। नहीं है गाड़ी कहीं नहीं, समझ गए? अब तो वही पैसा लगेगा तो हो जाएगा, वही हो जाएगा, मुश्किल है कहीं नहीं पूरा। क्या भैया? वही 55,000 लगेगा कंप्लीट पूरा। आपका वेंटिलेटर रहेगा, सक्शन मशीन रहेगा, मॉनिटर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा, 2 जंबो ऑक्सीजन रहेगा, पोस्ट ट्रेवलर गाड़ी जाएगा। अगर आप 5-10 हज़ार रुपये का वो देखिएगा, हेलो, शाम में 7-8 बजे अभी अभी एडवांस लेगा तो कन्फर्म मान लेंगे, एडवांस लेकर तो नहीं मानेंगे, ठीक है। नहीं, वेंटिलेटर में है, देखो वेंटिलेटर तो नहीं है कि वहाँ नहीं वेंट है, वेंटिलेटर का जरूरत है। और यहाँ पर वेंटिलेटर अस्पताल मिल कहाँ रहा है? नहीं है नहीं, ऑक्सीजन में है ना? हाँ, अभी फिलहाल ऑक्सीजन में है, डॉक्टर बोल रहे कि वेंटिलेटर चाहिए, और यहाँ पर कोई वेंटिलेटर का जगह खाली नहीं है। अभी ऑक्सीजन में है, लेकिन वेंटिलेटर पर लेके जाएगा। हाँ, पटी से पूछना सामने घर के पास। और ऑक्सीजन वाले का कितना है भैया? और सिर्फ ऑक्सीजन पर ले जाएं तो कुछ कम होगा? अच्छा, खाली पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए? हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। ऑक्सीजन वाले का कितना होगा? एम्बुलेंस का नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना बड़ा गाड़ी में पैरामेडिकल नहीं जाएगा। बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन वाले ये में क्या बोलते हैं, रिक्स हो जाएगा आपका जो पेशेंट का एज बता रहे हैं ना, 55 ईयर तक रिक्स हो जाएगा। जरा सा मेरी कहा रास्ता में कुछ निकल पाएंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन वाले नहीं लेके जाए, उसका कितना कॉस्ट पड़ता है? एक्चुअली अभी थोड़े पैसे बचे हुए हैं, ठीक है, एक दो दिन में अरेंज हो जाएगा। पटना ले जाते कल या परसों तक में हम लोग के पास अरेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग पटना मूव कर जाना चाह रहे हैं,
देख लीजिए कहीं से मैनेज कीजिए। अब एक चीज़ बता रहे, जरा सा पैसा के चलते ना आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आप आईसीयू एम्बुलेंस ले जाइए, वेंटिलेटर रहेगा, अगर इसको वेंटिलेटर का जरूरत होगा तो वेंटिलेटर लगाएगा, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन मिलाएगा, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा लीटर का रहेगा तो ज़्यादा लीटर चलाएगा, कुछ इसका मोनिटर, उसका पल्स, बीपी, सारा चीज़ ना लेखते देखते हुए जाएगा। ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस का कितना भैया? ऑक्सीजन वाला मिल जाइएगा, बहुत दूर, इतना दूर जाइए पटना लेकर जाइएगा, नॉर्मल गाड़ी में मत लेकर जाइए, हम तो यही रह जाइए। ऑक्सीजन वाला का आपका 25 से 30 हज़ार बताया? हाँ वही आएगा, तो उसमें कुछ पैरामेडिक नहीं रहेगा, कहीं ऑक्सीजन लगा देगा जाना होगा, ये सोच लीजिए, हम ड्राइवर लेके चल जाएगा रास्ता में, अच्छा उसके साथ कोई आदमी जाएगा कि नहीं जाएगा पेशेंट के साथ? हाँ जाएगा, उसको भी तो सेफ रखना है। एक दो जगह और देख लेते हैं, ठीक है, आपको फोन करेंगे भैया, है ना? अगर कुछ नहीं हो पाता है तो आपको 5 बजे तक मैं अपडेट करेंगे, दो घंटा पहले। हाँ ऑक्सीजन वाला मत कीजिए, मैं आपको यही बात बोलूँगा लास्ट। हाँ ऑक्सीजन ठीक नहीं रहेगा, खाली ऑक्सीजन का भरोसा में आप पटना किसी पेशेंट को लेके जाइएगा, आज का डेट के हिसाब से बहुत बड़ा। तो आपने ऑडियो सुना, ऑडियो में एक दूसरे से बातचीत की प्रक्रिया जारी है, एक मरीज के परिजन को अपने मरीज को पटना ले जाना है, लेकिन उसके एवज में एम्बुलेंस के मालिक के द्वारा 55,000 रुपये किराया वसूला जा रहा है। व्यक्तिगत द्वेष और व्यक्तिगत कारणों से जेके न्यूज नेटवर्क उस एम्बुलेंस चालक का चेहरा या वीडियो नहीं दिखाना चाहता है, चूँकि यह मॉब लिंचिंग का मामला भी बन सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए जेके न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।